सुहागपुर में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक खेत में लगाए गए गांजे के पौधे जब्त किए। मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, तो वहीं दूसरा आरोपी फरार है जिसकी तलाश जारी है। सुहागपुर में पुलिस अधीक्षक घनश्याम मालवीय एवं SDOP प्रेम प्रकाश गौतम के दिशा निर्देशन में गठित टीम ने मुखबिर की सूचना पर ग्राम झिरमटा में आधार सिंह पूर्विया और अभिषेक पूर्विया के खेत पर छापेमारी करते हुए खेत की मेट पर टमाटर एवं भुट्टे के पौधों के साथ गांजे के पौधों को जब्त किया है। पुलिस ने कुल 152 गांजे के पौधे को जब्त किया, जिनका वजन कुल 19 किलो 690 ग्राम है। पुलिस ने मामले में आरोपी अभिषेक पूर्विया गिरफ्तार कर लिया है, तो वहीं एक अन्य आरोपी आधार सिंह फरार है जिसकी तलाश की जा रही है। सूचना मिली चौकी प्रभारी कि ग्राम झिरमटा में एक खेत में कुछ पौधे लगे हुए हैं, जिसको वेरीफाई करवाया गया, जो मुखबिर की सूचना बिल्कुल सही पाएगी। तो वैधानिक कार्रवाई करते हुए जब वो हमारे चौकी प्रभारी सब इंस्पेक्टर भी अपने फोर्स को लेकर संबंधित जगह पहुंचे, वहां पर आधार सिंह पूर्विया और अभिषेक पूर्विया इनके द्वारा अपने खेत में गांजे के पौधे लगाए जाना पाए गए। करीब 152 गांजे के पौधे मौके पर पाए गए। उनको विधि अनुसार सभी पौधों को उखाड़ा गया और जब्त किया गया। ये तो अभी एक जो आरोपी है आधार सिंह, जो कि उनके परिजनों के द्वारा बताया गया कि ये गांजा पीने का काम करता था और उसी के द्वारा ये लगाया गया है। और मौके पे जो उसका लड़का मिला, जिसको जानकारी थी, जो कि पानी वानी देते थे, उसको पता था कि हम मौके पर गांजे के पौधे लगे हुए हैं और इनके द्वारा टमाटर के पौधों के साथ में और भुट्टे के पौधों के साथ में क्यारियों में और मेड़ पे गेहूं बोया था, उन्होंने गेहूं के खेतों की मेड़ पर ये पौधों को लगाया गया था, जो काफी बड़े हो गए थे। मिनिमम 7 इंच का पौधा और मैक्सिमम जो है वो 5.5 फीट के पौधे लगे होना पाया गया। सुहागपुर से नर्मदा पटेल की रिपोर्ट।